డిజిటల్ ఇండియా 21వ శతాబ్దంలో భారతదేశ బలమని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ చెప్పారు. డిజిటల్ ఇండియా లబ్ధిదారులతో ప్రధాని ఈ రోజు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా సంభాషించారు. ప్రధానమంత్రి 2015 జూలై 1న ప్రారంభించిన డిజిటల్ ఇండియాకు 6 సంవత్సరాలు పూర్తయిన సందర్భంగా ఎలక్ట్రానిక్ సమాచార సాంకేతిక విజ్ఞాన మంత్రిత్వ శాఖ ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. డిజిటల్ ఇండియా అనేది న్యూ ఇండియాకు సంబంధించిన ప్రధాన కార్యక్రమాల్లో ఒకటిగా నిలిచింది. ప్రభుత్వ సేవలను సులభతరం చేయడం, ప్రభుత్వాన్ని పౌరుల చెంతకు తీసుకువెళ్లడం, పాలనలో పౌరుల భాగస్వామ్యాన్ని పెంపొందింప చేయడం, ప్రజలకు సాధికారతను కల్పించడం డిజిటల్ ఇండియా ప్రధాన లక్ష్యం. हमें ये याद दिला रहा है कि एक राष्ट्र के रूप में सिर्फ 5-6 वर्षों में हमने डिजिटल स्पेस में कितनी ऊंची छलांग लगाई है. साथियों, भारत को डिजिटल पथ पर तेज गति से आगे बढ़ाते हर देशवासी का जीवन आसान बनाने का सपना पूरे देश का है. इसको पूरा करने में हम सभी दिन रात लगे हुए हैं. देश में आज एक तरफ इनोवेशन का जुनून है तो दूसरी तरफ इनोवेशन को तेजी से एडप्ट करने का जज्बा भी है. और इसलिए डिजिटल इंडिया भारत का संकल्प है. डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत की साधना है. डिजिटल इंडिया 21वीं सदी में सशक्त होते भारत का एक जयघोष है. साथियों, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के सिद्धांतों पर चलते हुए सरकार और जनता के बीच, सिस्टम और सुविधाओं के बीच, समस्याओं और सर्विस के बीच गैप कम करना, इनके बीच की मुश्किलें खत्म करना और जन सामान्य की सुविधा बढ़ाना इस समय की मांग रहा है. और इसलिए डिजिटल इंडिया सामान्य नागरिक को सुविधा और उनके एम्पावरमेंट का एक बहुत सशक्त माध्यम है. साथियों, डिजिटल इंडिया ने कैसे संभव किया है, इसका शानदार उदाहरण है डिजी लॉकर. स्कूल के सर्टिफिकेट, कॉलेज की डिग्री, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार या दूसरे दस्तावेजों को संभाल कर रखना हमेशा से लोगों के लिए बहुत बड़ी चिंता रहती है. कई बार बाढ़ में, भूकंप में, सुनामी में, कहीं आग लगने की वजह से लोगों के जरूरी पहचान पत्र नष्ट हो जाते हैं. लेकिन अब 10वीं 12वीं कॉलेज यूनिवर्सिटी के मार्कशीट से लेकर दूसरे तमाम दस्तावेज सीधे डिजी लॉकर में सहज रूप से रखे जा सकते हैं. अभी कोरोना के इस काल में कई शहरों के कॉलेज एडमिशन के लिए स्कूल सर्टिफिकेट्स का वेरिफिकेशन डिजी लॉकर की मदद से ही कर रहे हैं. साथियों, ड्राइविंग लाइसेंस हो, बर्थ सर्टिफिकेट हो, बिजली का बिल भरना हो, पानी का बिल भरना हो, इनकम टैक्स रिटर्न भरना हो, इस तरह के अनेक कामों के लिए अब प्रक्रियाएं डिजिटल इंडिया की मदद से बहुत आसान, बहुत तेज हुई है. और गांवों में तो ये सब अब अपने घर के पास सीएससी सेंटर में भी हो रहा है. डिजिटल इंडिया ने गरीब को मिलने वाले राशन की डिलीवरी को भी आसान किया है. ये डिजिटल इंडिया की ही शक्ति है कि वन नेशन वन राशन कार्ड का संकल्प पूरा हो रहा है. अब दूसरे राज्य में जाने से नया राशन कार्ड नहीं बनाना होगा. एक ही राशन कार्ड पूरे देश में मान्य है और इसके सबसे बड़ा लाभ उन श्रमिक परिवारों को हो रहा है जो काम के लिए
दूसरे राज्यों में जाते हैं।